बेटा पहलवान, हाँ दीदी, मेरे मन में बहुत दिन से ख्याल आ रहा है। बोलो दीदी, क्या ख्याल आ रहा है? सोच रही हूँ कि माता रानी का एक जागरण कराऊं और भंडारा भी। दीदी, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक जगह बात फंस सकती है। कौन सी बात फंस सकती है बेटा? दीदी, वैसे हमारा देश चांद में गोलगप्पे बेचने की बात करता है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो लोग भेदभाव करने लगते हैं। तेरी बात में दम है पहलवान। दीदी, वैसे किन्नर को तो सब कोई शुभ मानते हैं, लेकिन जब दावत दे दे तो कोई नहीं आता है। अरे मैं अपना नाम ही आगे नहीं आने दूंगी, तब तो लोग आएंगे। हाँ दीदी, तब तो सब आएंगे। राम राम चिंगारी दीदी। राम राम महक। आ गई फिर ड्यूटी से? जी दीदी, आ गई। हाँ बैठ। दीदी, ये लो किराया। माफ करना दीदी, इस महीने थोड़ा लेट हो गया। बेटा, मैंने तुझे कभी किराए के लिए टोका है? और तुझे जरूरत है तो ये भी रख सकती है। नहीं नहीं दीदी, ये लो, मैंने अपने खर्च के लिए रख लिया है। अच्छा ठीक। अच्छा महक, एक बात तो बता। जी दीदी। ना वो निठल्ला विकास कुछ काम करता है और ना ही तेरी सासू माँ। पूरे घर का ठेका क्या तूने ही ले रखा है क्या? अच्छा दीदी, मैं चल रही हूँ। मुझे माँ जी के लिए चाय भी बनानी है और घर में पूरा काम भी पड़ा हुआ है। पहलवान, हाँ दीदी, महक के घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो पंगा है। कैसा भी हो पंगा, आप सब कर देती हो चंगा दीदी। हाँ बेटा, चंगा तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। इन लोगों का आए सिर्फ 5-6 महीने हुए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि नौकरी सिर्फ महक करती है, बाजार से सामान लाना महक करती है, घर का काम सिर्फ महक करती है। दीदी, महक भाभी का पति और उनकी सास दोनों क्या करते हैं? पहलवान, यही तो पता लगाना है हमको। माँ जी, ये लीजिए चाय। ठीक है ठीक है। अच्छा, चीनी तो कम डाली है ना तूने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें चीनी भर दी हो तूने? नहीं माँ जी, कम डाली है। ठीक है। और हाँ सुन, जी माँ को 8 बजे दवाई लेनी होती है, तो खाना जो है ना वो 7:45 तक बन जाना चाहिए, समझी? जी, बन जाएगा माँ जी। और सुन महक, सैलरी तो मिल गई होगी ना तेरी आज? जी मिल गई। अरे तो पैसे अभी तक मम्मी जी को लाके क्यों नहीं दिए तुमने? मम्मी जी, वो आते ही चिंगारी दीदी को मैंने 8,000 रुपये दे दिए, बाकी के पैसे मेरे पर्स में रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा किया तूने किराया दे दिया। 5,000 तू घर खर्च के रख ले, 3,000 अपने आने जाने का किराया रख ले, और बाकी के पैसे मुझे लाके दे। चल ले क्या? अभी लाती हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी। अरे तू गिन तो जरा। पूरे हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम कर, तू ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेती? 8-10 हज़ार रुपये ज्यादा मिल जाएंगे। माँ जी, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, अपने लिए लंच बनाती हूँ, आपके लिए लंच बना के रख के फिर मैं ऑफिस जाती हूँ, 8 घंटे जॉब करती हूँ, वहां से आने के बाद फिर मैं घर का काम करती हूँ, रात 11 बजे मैं फ्री होती हूँ। माँ जी, कम में ओवर टाइम कर लूँ? देख, हम ये सब नहीं जानते। मम्मी ने कहा है ना कि ओवर टाइम करना है तो करना है, ओवर टाइम भी करना है और घर का काम भी करना है, समझी? जा अब खाना बना। ओवर टाइम नहीं करेगी। ओवर टाइम नहीं करेगी, महारानी है कहीं की। लो लाटला, ठंडी करवा दी चाय भी। पहलवान। हाँ दीदी। ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा है।
हाँ दीदी, कुछ कहानी उलझी सी हुई लग रही। बेटा, ये उलझी हुई कहानी को मैं जब तक सुलझा नहीं लूंगी ना, तब तक ना मुझे रात को नींद आएगी और ना ही दिन में चैन। हाँ दीदी। चल। तूने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। अरे बेटा किसका हूँ? वो ही तो। राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम महक, आ गई तो ड्यूटी से? हाँ दीदी आ गई। आज मैं बहुत लेट हो गई दीदी, जा रही हूँ जल्दी से माजी को चाय बना के दूंगी, नहीं तो माजी हंगामा कर देंगे। अरे सुन, तेरी सासू माँ अपने बेटे के साथ बाहर गई हैं, 2 घंटे हुए गए हुए। थैंक गॉड, मैं आज डांट खाने से बच गई दीदी। ठीक है दीदी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। सुन महक, इधर जरा बैठ। तो क्या हुआ दीदी? बैठ। जी दीदी। एक बात बता। जी दीदी पूछिए। महक बेटा, मैंने कल देखा कि तुम्हारे सास और तुम्हारे पति अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। रो मत बेटा, ये चिंगारी तेरे साथ है। तू मुझे सच सच बता, ये दोनों तेरे साथ नौकरानी जैसा बिहेव क्यों करते हैं? ये दोनों माँ बेटे एक नंबर के ब्याजखोर इंसान। कुछ साल पहले मेरी माँ बहुत बीमार थी, मेरे पापा ने इनसे 5 लाख रुपए कर्ज में लिए थे। उस पैसे से मेरी माँ का तो इलाज नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पापा कर्ज में जरूर डूब गए दीदी। और उस कर्ज की चिंता में, मेरी शादी की चिंता में, वो चिता तक पहुंच गए दीदी। और हमारा घर भी बिक गया और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। फिर क्या हुआ बेटा? फिर इस बुढ़िया ने कहा मेरे बेटे से शादी कर ले, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी। दीदी मैंने सोचा बाप का कर्ज बेटा उतारता है, बेटा नहीं लेकिन ये बेटी अपने बाप का कर्ज तो उतार ही सकती है ना दीदी, इसलिए मैंने शादी कर ली दीदी। शादी के बाद मेरठ की सारी प्रॉपर्टी बेच के ये लोग यहाँ आ गए दीदी। यही पास में उनका मकान बन रहा है, मुझे नहीं पता दीदी मकान कहाँ पे बन रहा है, लेकिन जब तक मकान नहीं बन जाए हम लोग सब यहाँ किराए पे रह रहे हैं। ये तो ठीक है बेटा कि तूने विकास से शादी कर ली अपने पापा का कर्जा उतारने के लिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि तू ही बाहर जाती है कमाने के लिए, ये दोनों घर में बैठे रहते हैं, ऐसा क्यों बेटा बता मुझे। मेरी सास का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे से शादी इसलिए कराई ताकि मैं कहीं भाग ना सकूं और अपने पापा का कर्जा कमा के उतारती रहूं। हे भगवान, इतना शातिर दिमाग, लड़की कहीं भाग ना जाए इसलिए अपने बेटे से शादी करा दी और लड़की को नौकरी करवा रहे ताकि बाप का कर्जा उतार पाए। कैसे कैसे इंसान है। इतने बड़े हरामी पहली बार देखा हूँ दीदी मैंने। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे माँ है ना मेरे पापा है, कोई नहीं है दीदी। इस दुनिया में अकेली हूँ दीदी, अकेली हूँ और इन कसाईयों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई हूँ दीदी। महक बेटा, आज से तू अनाथ नहीं है, आज से तेरी माँ और तेरा बाप ये चिंगारी है, और इन कसाईयों को मैं ऐसा हाल करूंगी ना कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा दीदी।
मेरी सैलरी 30,000 है और मैं अपनी सारी सैलरी उन लोगों पे खर्च कर देती हूँ, लेकिन अभी भी पापा का कर्ज वही का वही है दीदी। हाँ माँ, 2-3 महीने में जाके मकान बन जाएगा हमारा। अरे नहीं बेटा, मकान बनने में और भी ज्यादा समय लग जाएगा। मकान बनने में समय तो लगता ही है, इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाता है। अच्छा तो यहाँ बैठी है महारानी, घर में कुछ काम वाम नहीं है तुझे, गप्पे लड़ा रही है यहाँ बैठ के? यहाँ क्या कर रही है तू, चल अंदर। अरे अंदर तो तुम दोनों जाओगे, वो भी पूरे 7 साल के लिए। एक मजबूर लड़की को शादी के बंधन में बांध के इसे मजबूरी में नौकरी करवा रहे हो। अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुम दोनों की धुलाई करवाऊंगी, वो भी थाने में। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। फोन कर या मेल कर, हम भरने वाले नहीं। मेरे बेटे की शादी हुई है इसके साथ में, ये नौकरी अपनी मर्जी से कर रही है, हम जबरदस्ती नौकरी नहीं करवा रहे इससे। जब पिछवाड़े पे पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, तब तुम लोगों का बंद ढक्कन खुलेगा। ओ हेलो, ये मेरी बीवी है और मेरे बीच में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ओ सुन, बीच से फाड़ दूंगी तुझे यहीं पे, आवाज नीचे करके बात कर। इसके बाप ने 5 लाख रुपए लिए थे हमसे ब्याज पे, वही उतार रही है। शुक्र मना कि इसे हमने अपने घर की बहू बना रखा है इज्जत से, वरना इसका जुलूस भी निकाल सकती थी मैं। और 3 साल से जो मैं अपनी सैलरी आपको लाला के दे रही हूँ, उसका क्या? ब्याज में जा रही है तेरी सैलरी। 5 लाख रुपए असल के तो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। 5 लाख रुपए दे और दफा हो यहां से। पहलवान जी दीदी, काम कर, तू महक को बाहर लेके जा और बाहर से कुंडी बंद कर देना। जी दीदी। तू जा बेटा, तू जा। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं चिंगारी किंडर बोल रही हूँ। मेरे घर में एक औरत और एक आदमी जबरदस्ती घुस आए हैं और मैंने इनको रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है। इन दोनों को मैं कब्जे में लेके बैठी हूँ, आप बस जल्दी से आ जाइए। क्यों बे, समझ आ रहा है तुझे अब मेरा गेम? और बुढ़िया आज तू नहीं बचेगी। अरे कहाँ भाग रहे हो, बहुत खून चूस लिया उस बच्ची का, सुनाई दे रहा है? आ गए तुम्हारे मामा, अब तुम्हारी खातिरदारी अब जेल में होगी। तुम दोनों के जितने बंद ढक्कन थे ना, इस बार जेल में खुलेंगे।